आपके लिए कुछ भी लिखते समय सचमुच मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या क्या लिखूं और क्या न लिखूं और कहां से शुरू करूं और कहां पूर्ण करूं। जोरदार तालियां एक बार मैम के लिए। चंद पंक्तियां प्रेम भरी आपको समर्पित हैं। बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज पाकर अपने बीच में पुलकित हैं हम आज। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं का कुशलता से प्रबंधन तो करती हैं और साथ ही संगीत में आपकी अत्यंत रुचि होने के कारण आप संगीत का भी अध्ययन कर रही हैं। तो जोरदार तालियां इस बात पर कि आप इतना व्यस्त होकर भी संगीत का अध्ययन करती हैं। और दोस्तों, जोरदार तालियों से हम हमारे चीफ गेस्ट को आज Thank you.
Respected colleagues, dear friends, a very good morning to all of you. A very well-known scientist had once said, Alfred Einstein, he had once said, "We dance for laughter, we dance for tears, we dance for madness, we dance for fears, we dance for hope, we dance for screams, we are the dancers, we create the dreams." Dream, swapan, ये वो स्वप्न है जो हम खुली आंखों से देखते हैं, जिसको पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। और आज का ये उत्सव ऐसे ही एक स्वप्न को साकार कर रहा है। वो स्वप्न जो आज से करीब 2 साल पहले एक छोटे से प्रश्न के साथ शुरू हुआ था कि स्पोर्ट्स और कल्चर बोर्ड 17-18 स्पोर्ट्स में ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स करता है, तो संगीत नाटक नृत्य में क्यों नहीं करता। तो जानकारी मिली कि बहुत साल पहले होता था, अब बंद हो गया, नहीं होता। तो फिर एक छोटा सा दूसरा प्रश्न कि क्या हम कर नहीं सकते। मेरे साथियों ने बोला, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। प्रश्न छोटे थे, कहना आसान था, लेकिन जब करने लगे तो बड़ी सारी मुश्किलें आई। बहुत सारे डिविजन्स के साथ बातचीत, उनके अप्रूवल्स, इसको टूर में शामिल करना, इसको करने की, क्योंकि बहुत साल हो गए थे, सब कुछ रुक गया था, पुराना हो गया था, तो रुकावटें बड़ी सारी आई। बट एक स्पोर्ट्स बोर्ड के लोगों में एक खासियत है, कुलभूषण मल्होत्रा जी सचिव स्पोर्ट्स और संस्कृति बोर्ड, अंजना मैम खड़े हो गए, हमारे जैसे कुछ और भी लोग हैं जो ऐसे ही स्वप्न देखते हैं,
scientists, researchers, doctors, they dreamt of making a vaccine for corona. They made a vaccine in record time, and I believe all of you come here vaccinated. Yes. So, once vaccinated, we got hopeful again. हम फिर उठ के खड़े हुए, फिर हमने सोचा एक कोशिश और, क्योंकि I would read a few lines to you, which I dedicate to all of you. मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करे. क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो. जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तो मत. संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तो, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी efforts of all of you. We have gathered here, and this occasion is also special for two more reasons. One, it is being done after a long time. Two, it has been organized in a very, very short span of time. And for that, I will give a lot of credit to Pradeep Khannaji. बात हो रहा है, कोशिश है कि इसको बहुत अच्छे से बनाया जाए. हो सकता है कुछ कमी भी रह गई हो. आप यहाँ 3 दिन हैं, इस त्योहार को मिलजुल कर हंसी खुशी मनाएं. जो अच्छा हो वो हमें बताएं, और कुछ कमी रह गई हो तो वो जरूर बताएं. मैं आशा करती हूँ ये उत्सव हम इसी तरह मिलकर आने वाले सालों में हर साल मनाते रहेंगे. मैंने जस्ट अभी बोला सर, मैं तो आपको देख ही नहीं पा रही हूँ, और सचमुच में यहाँ से बहुत ज्यादा नहीं दिख पाता मुझे. तो कहते हैं ना कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित वे. तो उन्होंने मेरे लिए, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ अभी बोलने में खुशी के कारण कि सर ने मेरे लिए एक स्टूल का प्रबंध कर दिया है. ये स्टूल मेरे लिए आ गया है. तो सर इतने जल्दी आप काम कर देते हैं, थैंक यू सो मच. चलिए अब मेरे लिए सर आधा बेटा तो छुप ही जा रहा था मेरा. आगे की 2-3 दिन में और भी सभी राज्यों को, मतलब 29 राज्य तो नहीं, 3-4 राज्यों को जरूर रिप्रेजेंट करना चाहूंगी. तो हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे सर का. रिस्पेक्टेड चीफ एंड ऑफिसर डीओपी टीम मिस मनीता सूर, ऑनरेबल गेस्ट चीफ ऑनरेबल जयदीप सादरे, मिस संजना मित्तल सेक्शन ऑफिसर सीसीएसएसबी, टर्मिनल मिस्टर प्रतीक खाना एंड डियर पार्टिसिपेंट्स, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को स्वागत करना चाहता हूँ ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज म्यूजिक एंड डांस कंपटीशन में, जो कि काफ़ी लंबे समय बाद आयोजित हो रहा है जैसे मैडम ने बताया. और आप सब लोगों को थैंक यू भी करना चाहता हूँ कि इतने अच्छे नंबर में पार्टिसिपेट किया. अच्छे जब हमने प्रोग्राम डिवाइड करे थे, मैडम के साथ बैठे थे, प्रतीक जी भी थे, तो हम सोच रहे थे अगर हमारे 10 टीमें आ जाएंगी ना तो वी विल कंसीडर इट सक्सेसफुल प्रोग्राम. और 11 टीमें आई, 200 पार्टिसिपेंट्स. एंड आई एम श्योर इट इज जस्ट अ बिगिनिंग, वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे. और मुझे इसमें
कहने में कोई भी डाउट नहीं है, मैं पूरे कॉन्फिडेंस कह सकता हूँ अगले 5 साल में सबसे सक्सेसफुल प्रोग्राम ये होगा। अभी ऑल इंडिया सीनियर सर्विसेज बैडमिंटन टूर्नामेंट है, उसमें 42 टीम्स पार्टिसिपेट करते हैं, नॉर्मली 40 प्लस होता है, तो वी हैव टू क्रॉस दैट बैरियर इन द नेक्स्ट 5 इयर्स। ये टारगेट हमने आप सब लिए सेट किया है, और ये जो मशाल ने जलाई ना इसे बुझने नहीं देना आप। ये हर साल आप 10-12 स्टेट से आए हुए हैं रिप्रेजेंटेटिव 10-12 स्टेट से, तो जब वापस जाएं ये जो टूर्नामेंट ये जो कंपटीशन है ये पिछले साल का कंपटीशन है, आपको पता होगा शायद ये हमको मार्च में करना चाहिए था, ड्यू टू कोरोना ने नहीं किया, अब हम कर रहे हैं। तो अभी जो इस साल का है कंपटीशन वो भी पेंडिंग है, ये पेंडिंग कंपटीशन चल रहा है, अभी आपको करना है, तो मार्च से हम नेक्स्ट कंपटीशन भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सब जाके अपने अपने ऑफिस में अपने आप प्रयासरत हो जाएंगे, और इस साल में हमें दूसरा कंपटीशन भी कराना है इसका, ऐसा प्रयास होना चाहिए। ये आज का दिन जो ना हिस्टोरिक डे है, हिस्टोरिक इसलिए कि बहुत लंबे समय बाद आयोजित हो रहा है प्रोग्राम, हम हिस्ट्री को रीराइट करने जा रहे हैं, हिस्ट्री को दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं। कारण ये है कि कल मैंने मीट में किसी ने मुझे बोला कि लास्ट प्रोग्राम 99 हुआ, हालांकि जो मेरी अपनी मेमोरी है फाइल्स के द्वारा जो मैंने देखा उसमें हमारी याद पड़ रहा है कि 2007 में लास्ट ये प्रोग्राम हुआ था, तो 14 साल उसके बाद भी हो गए हैं। अगर 14 साल की बात करते हैं तो सीधा बात आ जाती है कि वनवास, ये 14 साल हमारा वनवास था जो आज पूरा हुआ है हम सब बच्चे के लिए। तो इसलिए इस कंपटीशन को ना कंपटीशन की तरह ट्रीट करें, एक फेस्टिवल की तरह ट्रीट करें, हम सब एंजॉय करें नेक्स्ट भूल जाए कंपटीशन, जस्ट गिव योर बेस्ट, और इस पार्टिसिपेशन को जितना एंजॉय कर सकते हैं करें। ये प्रोग्राम हमारे लिए फर्स्ट टाइम काफी लंबे समय बाद आयोजित हो रहा है, जैसे आपको पता है मैडम ने बोला फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो फीडबैक से हमें अपनी कैटेगरीज को ट्वीक कर सकते हैं, ड्यूरेशन को ट्वीक कर सकते हैं अगर आपकी पॉजिटिव फीडबैक हो, और भी जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे आपकी फीडबैक के द्वारा। ये 2-3 साल की प्रोसेस है, चलेगी, अभी कुछ ना कुछ चेंजेस चलते रहेंगे, धीरे धीरे हम इसको अच्छा करते जाएंगे, और 3-4 साल में प्रोग्राम अच्छे तरीके से स्टेबलाइज हो जाएगा, ये मेरा मानना है। बात करें तो अचीवमेंट्स की, तो जब मैंने एज सेक्रेटरी ज्वाइन किया सीसीएसबी, तो मेरा खुद का लक्ष्य मेरे खुद के लिए था कि इस प्रोग्राम को शुरू करना, उसे मैडम का पूरा गाइडेंस मिला, सपोर्ट मिला, और ये प्रोग्राम बहुत मुश्किल से शुरू हुआ, जैसे मैडम ने जैसे आपको पहले बताया, इतना आसान नहीं था। आसान इसलिए नहीं था कि सिर्फ आयोजित करना एक अलग बात, पर जितने ऑल इंडिया स्पोर्ट्स में होते हैं सब में जो भी पार्टिसिपेट करते हैं वो ऑन ड्यूटी ट्रीट होते हैं, और दे कैन क्लेम DADA फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ऑफिसेस, जो प्रोविजन इसमें मिसिंग था। उससे पहले क्यों बंद हुआ प्रोग्राम, बंद होने का कारण यही था कि ऑन ड्यूटी ट्रीट नहीं किया जाता था आप लोगों को, और एक किस्म से देखा सौतेला व्यवहार हो रहा था कहीं ना कहीं कल्चर के साथ। उसको दूर करने में हमें अपने DOPT में, हम खुद DOPT पार्ट है, पर DOPT बहुत से डिवीजन से क्लियर कराना पड़ा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जाना पड़ा, CAG में जाना पड़ा, तब जाके कहीं सारा सपना होगा। जो टारगेट मैंने अपने सेट किया था उसको हमने अचीव किया है सबके सहयोग से, तो बस ये यूं ही सिलसिला चलता रहे। वैसे भी मैडम और मेरे यहाँ 4 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 4 ईयर्स हम दोनों पीरियड एग्जाम ऑलमोस्ट 7 साल से हुआ था। तो अचीवमेंट्स की बात करें ना तो बहुत लंबी लिस्ट है, एक ही प्रोग्राम तो है। इसके अलावा मैडम की विजनरी अप्रोच की बात बता रहा हूँ मैं, मैडम ने जो फर्स्ट मीटिंग में से लिया था उसमें करीबन सभी गेम्स के उपस्थित थे। तो इससे पहले क्या होता था कि वोमेंस का पार्टिसिपेशन बहुत लिमिटेड था, कुछ गेम्स में था, सिर्फ एथलेटिक्स में, बैडमिंटन में, कुछ हल्का टीटी वगैरह में, तो वो नहीं था। तो मैडम ने कहा कि वोमेंस को पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं और गेम्स में, उनके लिए हमें
स्पेशल एफर्ट्स देने की। और आज बड़ी खुशी से मैं बताना चाहता हूँ कि मैडम की इस गाइडेंस के, इस अप्रोच के चलते आज कम से कम भी 8 से 10 बड़ी बड़ी इवेंट्स में मूवमेंट की क्रिएट कर रही है। 20 से लेकर 30 तक हमारे 6 टूर्नामेंट और भी हैं स्पोर्ट्स के, बीसीटी हमारा बहुत हेक्टिक पीरियड है इसमें, तो उसमें हरियाणा में 3 गेम हो रही है आईएनडी लेवल के, जिसमें कबड्डी है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, तीनों में वुमेन्स टीम पार्टिसिपेट करने जा रही है। ये लास्ट ईयर से मैं शुरू किया था वुमेन्स पार्टिसिपेशन, आज बढ़ते बढ़ते हर ऑल इंडिया में हॉकी जैसे गेम है, आप समझो वो भी वुमेन्स है, लाइव वुमेन्स है, गवर्नमेंट अटैच उनका सामने आना बहुत बड़ी बात है, सैल्यूट है आपका वुमेन्स को क्या आपका सामने आ सकता है। कबड्डी में यू कैन इमेजिन, रेसलिंग, पावर लिफ्टिंग, जस्ट इमेजिन इतने डिफिकल्ट इतने फिजिकल एंड्योरिंग गेम्स में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन हुआ है पिछले सालों में, तो अपने आप में ये सब मैडम चलते हुए सुनना है, ऑल क्रेडिट गोज टू मैडम। और जैसे आप हमारे लास्ट ईयर हम सब कोरोना में बहुत से हम लोगों को कैजुअलिटीज हुई, हम लोग काफी मेंटली डाउन थे, तो हमने एक प्रयास किया था ऑल इंडिया लेवल पे बच्चों का प्रोग्राम किया था कल्चर म्यूजिक डांस का, आप सबके बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, वो बहुत ही सफल प्रोग्राम था, ऑनलाइन था, तो हमने इस तरह कई सारी नई शुरुआत की। इससे पहले जब आया तो मैं जब ज्वाइन किया तो बच्चों का प्रोग्राम नहीं होता था, हम भी नहीं करा रहे थे लोकल लेवल पे, तो हमने आके सबसे पहले म्यूजिक एंड डांस के बच्चों के लिए कॉम्पिटिशन शुरू किया कैटेगरीज में। इसके अलावा एथलेटिक्स भी शुरू की बच्चों की जो पहले नहीं होती थी, हम भी चाहते थे ग्रास रूट से ही हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए आपके बच्चों को भी आपको भी। और इसके अलावा ऑनलाइन कैरम भी हमने लास्ट ईयर ऑनलाइन कैरम इवेंट फर्स्ट टाइम था जो शायद इंडिया में हुआ होगा, ऑनलाइन कैरम इवेंट आज से पहले कहीं नहीं हुआ था, वो हमने कराया लास्ट ईयर। तो इसके अलावा मैडम की एक और समझो सपना था कि हाफ मैराथन हमारे कराया, हाफ मैराथन दिल्ली तक लिमिटेड रहे थे, हाफ मैराथन हमने कराया, 2 हाफ मैराथन करा दिए लास्ट ईयर, नहीं करा पाए कोरोना चलते, तो हाफ मैराथन भी एक ऐसा नया इवेंट था हमारे लिए। तो हमें ये समझो ना पिछले 3-4 साल काफ़ी इवेंटफुल रहे बोर्ड के लिए, हमने नई नई चीज़ें शुरू करने की कोशिश की, काफ़ी सफलता मिली, उसका रीज़न ये है कि पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, हम सब एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इस बात के साथ प्रोग्राम में कहता हूँ कि वी आर वेरी लकी टू हैव सच ए वंडरफुल CW मैडम, क्यों रीज़न ये है कि CW तो पहले बहुत आए होंगे, मैं फर्स्ट लेडी हैं जो CW बनी हैं, इससे पहले कोई नहीं था, तो शायद से वुमेन्स वाले ने सोचा भी हालांकि वो अपना कुछ गाय शायद एक कारण होता है। दूसरा ये है कि मैडम खुद रनिंग करती हैं 10 किलोमीटर से पार्टिसिपेट के मैडम में हाफ मैराथन में, इसके अलावा क्रिकेट खेलती हैं, बैडमिंटन खेलती हैं, हॉकी की बहुत अच्छी नॉलेज है, हर गेम की नॉलेज बहुत अच्छी है, पर हॉकी की स्पेशल उनके फादर भी खेलते हॉकी, और म्यूजिक की बहुत अच्छी समझ है जो मुझको बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे लिए ना जब मैडम साथ होते मैं समझ आता हूँ क्या कौन क्या बजा रहा है क्या नहीं। तो मैडम ने एक्सप्लेन करते रहते थे, उसने यहाँ पे बताया है, मैडम गलतियाँ बता देती हैं और अच्छी बता रही है, इसने बहुत अच्छा किया है, तो हमारे लिए ब्लेसिंग है कि एक इतने नॉलेजेबल इतना बढ़ जाएगा। और फीडबैक हम जैसे मैंने बोला कि आप सबको फीडबैक बाद में प्रोवाइड कर सकते हैं, बट फीडबैक पॉजिटिव हो इस बात ध्यान रखें, और मैं ज़्यादा अवसर नहीं देना चाहता था क्योंकि जैसे आपको डेस्परेट अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए, उससे अगर हम भी डेस्परेटली आपकी परफॉर्मेंस देखने का वेट कर रहे हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे और अपने स्टे को दिल्ली में इंजॉय करेंगे।